नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कविता फोर व्हीलर ट्रेनर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रात में ड्राइविंग करने का टिप्स बताने वाला हूं, जो कि 90% लोगों को रात में ड्राइविंग करने का टिप्स नहीं पता होता है, उन्हें रात में ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या टिप्स हैं जो कि 90% लोगों को नहीं पता होता है लाइट के बारे में, तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए, अब हम जानते हैं लाइट्स के बारे में कि हमको रात में ड्राइविंग करने से पहले हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए, और हमें कब कहाँ किस रोड पे कौन सी लाइट यूज़ करना चाहिए, या फिर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें उसको कैसे इशारा करना है कि वो अपनी लाइट को डिम कर ले। और चलिए, तो हम जानते हैं अब हम लाइट्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि रोड पे 80% लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको लाइट्स के बारे में पता है ही नहीं, सिर्फ वो रोड पे गाड़ियाँ लेके निकल गए हैं। अगर उनकी गाड़ी के सामने कोई आता है तो वो लाइट्स को लो नहीं कर पाते हैं, या अगली गाड़ी लो बीम करता है और वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्यों लो बीम कर रहा है। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं और लाइट्स के बारे में कि कौन सी लाइट हमें कब और कहाँ यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए, हम जानते हैं पहले लाइट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये ड्राइविंग सीट के राइट साइड में ये हेडलाइट का लीवर होता है और ये सभी गाड़ियों में इसी जगह पे होता है। तो हम लाइट को हमें ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए इसको हमें आगे की तरफ घुमाना, ये होता है पार्किंग लाइट। ये छोटी लाइट होती है, इसका यूज़ तब होता है जैसे आप कहीं गाड़ी को रात में पार्क किए हैं और आपको थोड़ी देर के लिए जाना होगा, तब आप इस लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी हेडलाइट ऑन करने के लिए इसको आगे की तरफ घुमा देना है। अब इस समय मेरी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पे है, जो कि ये लो बीम का सिंबल होता है। अब हमें लो बीम कहाँ पे जलाना होता है? लो बीम हमें सिटी के अंदर जलाना होता है लाइट को, जो कि लोग गाड़ियाँ चलाते हैं सिटी के अंदर हाई बीम को लाइट को रखते हैं। तो हाई बीम का यूज़ ना करें सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी के अंदर रोड लाइटें लगी होती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय हम सिटी के अंदर हैं, जो कि रोड लाइट लगा हुआ है। तो जब आपके सामने पूरी रोशनी है तो हमें हाई लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है सिटी के अंदर, तो हमें लो बीम को सिटी के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं हाई बीम। हाई बीम जलाने के लिए इसको नीचे की तरफ प्रेस करना होता है, इस लीवर को हम यहाँ से नीचे कर देंगे, ये हाई बीम हो गया। तो ये हाई बीम का सिंबल जल रहा है। अब हाई बीम हमको कहाँ जलाना होता है? हाई बीम हमको जैसे आप हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हैं फोर लेन पे, तो हमें वहाँ पे हाई बीम का यूज़ करना होता है, जो कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं रोड पे लाइटें नहीं होती हैं, तो हम वहाँ पे हाई बीम पे लाइट को रख सकते हैं। ठीक, तो सिंगल लेन पे चल रहे हैं, सिंगल लेन पे अगर आप हैं तब आप हाई बीम पे लाइट को जला सकते हैं। अब जो है, हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप किसी गाड़ी के सामने आते हैं, या आप सिंगल लेन में गाड़ी को चला रहे हैं, एक लेन आने वाली है और एक लेन जाने वाली है, तो वहाँ पे जब भी आप गाड़ी को चलाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, जो अगली गाड़ी सामने वाली है उसको आप जब देखें तो अपनी लाइट को हाई बीम पे है ये, तो हमको यहाँ पे लो बीम कर लेना है और इसको सिर्फ ऊपर कर देना है, ये लो बीम हो गया। जब भी आप सामने से गाड़ी देख रहे हैं तो इसको आपको लो बीम पे कर लेना है। तो अगर वो समझदार होगा तो वो लो बीम कर लेगा कि ताकि आप भी आसानी से निकल जाएं और वो भी आसानी से निकल जाए। और बहुत से लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि अगर अगली गाड़ी लो लाइट किया है तो वो क्यों किया है। तो आप लोग समझें कि अगर अगली गाड़ी लो बीम किया है तो हमको भी अपनी लाइट को लो बीम कर लेना चाहिए, और हमें हाई बीम लो बीम का यूज़ तभी करना होता है जब हम सिंगल रोड पे चलते हैं, या आप हाईवे पे हैं तो हाईवे पे क्या होता है, एक तरफ पौधे होते हैं जो कि उधर वाली गाड़ियों की, राइट वाली गाड़ियों की रोशनी आँख पे नहीं आती है। ये चीज़ हमें वहाँ पे करना है जब आप सिंगल लेन पे हैं, और अगर अगली गाड़ी आपको इस तरीके से पास लाइट, ऐसे अगर लाइट डिम और हाई हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपसे पास मांग रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मतलब वो आपको इशारा देना चाह रहा है कि आप अपनी लाइट को डिम कर लें।
तो इस तरीके से ये जब ऐसे होगा ये डीपर मारने के लिए लो और हाई इस तरीके से लाइट होती है, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे सिंबल भी शो करेगा, ये पास मांगने के लिए होता है। जैसे कि रात में इस डीपर का यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप बार बार ये लो और हाई तो करेंगे नहीं, अगली गाड़ी को पास देने के लिए या अगली गाड़ी की रोशनी को कम करने के लिए आप यहाँ से इशारा कर सकते हैं कि वो अपनी लाइट को 100% आप रात में बहुत ही सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ से लो और हाई कर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है, तो जब भी आप कोई सामने गाड़ी देखें तो आप इस तरीके से लाइट को कर दें कि ताकि वो अपनी लाइट को लो कर ले, और जो सामने वाला भी है उसको भी ये चाहिए कि अगर ये लाइट इस तरीके से लो और हाई कर रहा है तो आप अपनी लाइट को डिम कर लें, आपको जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस करे फिर आप हाई लाइट में करके गाड़ी को आगे लेके बढ़ जाएं। इससे क्या होगा, आपके आँख पे रोशनी भी नहीं आएगी और जो अगला चला रहा है उसकी भी आँख पे रोशनी नहीं आएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।